एवरीवन, वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स, दिस इज रूपाली। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इंग्लिश की, कि आप इंग्लिश में अब आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और आप किन चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं तो घर बैठे आप इंग्लिश को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो फर्स्ट टॉपिक होता है हमारा नाउन। तो छोटे बच्चों को अब इंग्लिश की इंप्रूव करने की बहुत नीड है। अब जैसे कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आपको इंग्लिश आप घर बैठे इंप्रूव कर सकते हैं बेसिक कुछ टॉपिक को आप क्लियर करके। तो जो बेसिक हमारा इंग्लिश का टॉपिक है वो है नाउन। तो नाउन हमारा मीनिंग क्या है, कुछ उसके टाइप्स क्या हैं, तो आज के सेशन हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको अगर ये लेसन अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हमारा सेशन रहने वाला है नाउन का पार्ट टू, जिसके अंदर हम कुछ रूल्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे जो नाउन है उसके अंदर कैसे कैसे रूल्स हैं और उनको कैसे दिमाग में रखने हैं आपको, क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो अगर आपको चैनल के साथ बने रहिए, अगर आपको लेसन समझ में आता है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए अपना फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेशन है आज का नाउन। नाउन के बारे में हमारा ये है पार्ट टू, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रूल्स। तो हम रूल्स कैसे होते हैं नाउन, हमने बात करी थी संज्ञा की। जो संज्ञा है उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो हमारा सबसे पहला रूल क्या होता है, तो हम देखते हैं कि सर्टेन नाउन्स एग्जिस्ट इन द प्लूरल फॉर्म। पहले हम बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल की। सिंगुलर क्या होता है, एक व्यक्ति या एक चीज, जिसके हम एक के बारे में बात कर रहे हैं। बट प्लूरल क्या होता है, बहुत सारे। तो जिससे एक से ज्यादा जिसकी हम बात करते हैं उसे हम बोलते हैं प्लूरल फॉर्म। एंड सिंगुलर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जना। तो हम सिंगुलर और प्लूरल का ये जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान में रखना है कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो यहाँ पर है सर्टेन नाउन एग्जिस्ट इन प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो कुछ संज्ञा होती हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं प्लूरल फॉर्म के अंदर, मतलब बहुत सारे। तो प्लूरल आपको ध्यान रखना है किसमें, प्लूरल फॉर्म में। एस कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम देम, इसके अंदर हम एस को रिमूव नहीं कर सकते। सच नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर। अब आपको क्या है कि हम क्या करते हैं, कुछ नाउन को हम सिंगुलर और प्लूरल बना देते हैं, किससे, सिर्फ और सिर्फ एस को ऐड करके। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं बॉय, तो यहाँ पे सिर्फ एक बॉय की बात की गई है, एक लड़के की बात की गई है। बट अगर इसके अंदर मैं बॉयज लिख दूं, एस ऐड हो गया इसके अंदर, तो क्या ये एक लड़का है, नहीं। तो बॉयज मतलब कि बहुत सारे लड़कों की बात की जा रही है सिर्फ और सिर्फ एक एस को ऐड करने से। बट हमारा जो फर्स्ट रूल है उसके अंदर बोला गया है कि एक एस को, कि इन सारे नाउन्स के अंदर हमारे वो जो एस है वो ऐड होता है, एग्जिस्ट करता है। बट हम उनको एस को रिमूव करके सिंगुलर नहीं बना सकते, वो प्लूरल की फॉर्म में ही रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि कुछ नाउन के अंदर ऐसी नाउन्स होती हैं कि उसके अंदर हम एस को रिमूव नहीं कर सकते उन्हें सिंगुलर बनाने के लिए। तो हमारी कौन कौन सी नाउन है ऐसी, सीजर्स। सीजर्स क्या होता है, हमारी कैंची जो होती है जो काटने के काम आती है, क्या आप उसको, अब पेयर में होती है हमारी ये जो ये कैंची होती है, अब ये क्या आप खाली इसी एक पेयर से कर सकते हो कट, नहीं। उसके लिए आपको ये दोनों चीजें, ये दोनों पेयर चाहिए। तो इसके अंदर आपका क्या है कि आप सिंगल सीजर नहीं बोल सकते, सीजर्स होता है। तो इसके अंदर आप एस को रिमूव नहीं कर सकते इसको सिंगुलर बनाने के लिए, तो ये सीजर्स ही रहेगा। नेक्स्ट इज ट्राउजर्स। ट्राउजर्स क्या आते हैं, जो आप पैंट्स पहनते हैं, तो उसका क्या आप सिर्फ एक ही लेग में पहन सकते हैं, नहीं। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, ट्राउजर्स ही बोलते हैं, ट्राउजर नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट है सनग्लासेस। सनग्लासेस क्या होते हैं, आपको जो चश्मे जो हम बाहर लगा के निकलते हैं धूप के अंदर, तो सनग्लास हम नहीं बोल सकते क्योंकि एक आंख के ऊपर हम नहीं लगा सकते। तो ये कॉमन सेंस है, ये हमारे छोटे छोटे से नाउन्स है जिसको आप अगर नहीं भी रूल को याद करेंगे तो भी आपको ध्यान रहेगा कि जो सनग्लासेस है या गॉगल्स है, हम गॉगल नहीं बोलते उसको, कि एक आंख का कभी चश्मा नहीं होता। तो ये क्या है, ये हमारे कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसके आगे एस हम नहीं हटा सकते उसको सिंगुलर बनाने के लिए। रिचेस, आर्चीज। आर्चीज क्या होता है, कोई चीज को छुपाना, हाइड करना। तो आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कि एक आर्चीव का ऑप्शन आता है, मेल्स के अंदर आता है, कि अगर आपको कोई चैट को छुपाना है
तो वो आप अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशंस आर्म्स। आर्म्स क्या होता है ये कि जब आप एक किसी भिखारी को या बेगर को कोई आप भिक्षा देते हो या कोई साधु आता है उसे कोई भिक्षा दी जाती है उसे हम बोलते हैं आर्म्स। तो ये भी एस के साथ ही रहता है, प्लूरल फॉर्म में ही रहता है। तो हम सेंटेंस देखते हैं, आर्म्स वर गिवन टू द बेगर्स। बेगर्स क्या होते हैं, हमारे भिखारी जो भीख मांगते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ भिक्षा किसे दी जाती है, बेगर्स को। तो ये आर्म्स का, ये आर्म नहीं बोल सकते, तो ये हमारा एस इसके साथ रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा वेयर आर द टोंग्स। टोंग्स क्या होता है, चिमटा। तो इससे आपको, इस लेसन के थ्रू आपको कुछ वोकैबुलरी सुनने को मिल रही है जो कि आप लर्न कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं। तो वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स क्या होता है, चिमटा, जिसे आप रोटी जिससे पकाते हैं। तो टोंग्स को आप एक चिमटे की जो एक स्टिक होती है उससे नहीं कर सकते, आपको दोनों पेयर चाहिए होगा जिससे कि आप रोटी को पकड़ेंगे। तो उसको हम यहाँ पे एस रिमूव नहीं कर सकते। तो ये पूछा है वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स कहाँ है। तो यहाँ पर ये कुछ एक फर्स्ट रूल था हमारा नाउन के अंदर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम नाउन्स आर प्लूरल इन द फॉर्म, कि कुछ नाउन्स क्या होती हैं, प्लूरल होती हैं, किसमें, फॉर्म में, बट सिंगुलर इन मीनिंग, पर उनका जो मतलब होता है, मीनिंग होता है, वो सिंगुलर होता है। दे टेक सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे हमने क्या बात करी है, कुछ जो फॉर्म या नाउन होती हैं वो फॉर्म के अंदर प्लूरल होती हैं, हमें दिखती हैं वो प्लूरल, बट उनका क्या होता है, उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ पर क्या होता है, मीनिंग, उसका जो मतलब होता है वो सिंगुलर होता है। दे टेक सिंगुलर वर्ब, इसलिए हम उसके साथ कौन सी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। आपने ऊपर देखा होगा कि यहाँ पे जो था ये प्लूरल ही थे, हम इसके साथ सिंगुलर नहीं यूज कर सकते वर्ब। आपने देखा है वेयर आर द टोंग्स, तो हमारे यहाँ पर एस था, तो हमने इसलिए जो वर्ब थी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी वो भी हमने क्या ली है, प्लूरल ली है। तो बट यहाँ पे सेकेंड रूल क्या बोल रहा है, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो कि हमें दिखती तो क्या है, सिंगुलर, हमें दिखती तो क्या है, प्लूरल, पर उनका मतलब क्या होता है, सिंगुलर। तो उनके साथ हम मीनिंग के साथ जाएंगे, तो मीनिंग के साथ उसके जो वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। अब एग्जांपल देखते हैं, न्यूज, आप इसको क्या, न्यूज को अगर हम एस हटा दें तो आप न्यू बोल सकते हैं, न्यू का तो डिफरेंट नया मीनिंग हो गया। तो न्यूज क्या है कि यहाँ पर हमारा ये दिख तो क्या रहा है, प्लूरल दिख रहा है क्योंकि इसके अंदर एस एड है, बट हम इसको अगर एस को रिमूव कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग बन जाएगा। तो ये इसके साथ हमारा ये सिंगुलर ही वर्ब है, इसका जो मतलब होता है वो सिंगुलर ही होता है। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, हमारी पॉलिटिक्स होती भी है, कुछ करप्शन भी होता है, तो ये जो है पॉलिटिक्स का, क्या ये आप सिंगुलर सिंगल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्या पॉलिटिक्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, नहीं, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आप एस तो देख रहे हैं बट इसका जो मीनिंग है वो क्या है, सिंगुलर। तो हम इसके साथ जो वर्ब को यूज करेंगे वो भी कौन सी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर। नेक्स्ट आ गया फिजिक्स। फिजिक्स भी हमारा एक सिंगल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे फिजिक्स के बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स एक अपने आप में एक ही सब्जेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जिसे हम बोलते हैं मैथ्स, वो भी हमारा एक सिंगल सब्जेक्ट है। एथिक्स, मीजल्स, रिकेट्स एंड बिलियर्ड्स, ये जो मीजल्स और रिकेट्स हैं ये कुछ बीमारी हैं, कुछ डिसीजेज हैं, जो भी हमारी सिंगुलर ही होती है, जिसे हम, जिसके साथ हमने एस तो ऐड किया है बट इसका मीनिंग क्या है, हमारा सिंगुलर। तो आपको ये ऐसे ही अगर आप दो तीन बार उसको पढ़ेंगे तो आपको खुद याद हो जाएंगे। हम सेंटेंस देखते हैं इसका, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम। तो हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, नो। यहाँ पर इसका जो मीनिंग है पॉलिटिक्स का वो सिंगुलर ही मीनिंग है, इसलिए हमने इसके साथ जो वर्ब यूज करी है वो भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही यूज हुई है। तो पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते, पॉलिटिक्स आर अ डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं नो न्यूज इज गुड न्यूज। न्यूज हमने पढ़ा कि सिंगुलर होती है पर हमें दिखती तो प्लूरल है, तो हम यहाँ पे आर यूज कर सकते हैं, नो न्यूज आर गुड न्यूज, नो। यहाँ पर हमारा जो ये वर्ड है ये भी हमारा, इसका जो मीनिंग है वो सिंगुलर ही है, और सिंगुलर के साथ ही हम वर्ब भी कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलर। तो ये तो आपको पता होगा कि ये जो इज होता है, आर है, इज हमारा क्या है, सिंगुलर, एंड हमारा आर जो होता है वो होता है प्लूरल फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, नो न्यूज इज गुड न्यूज,
तो ये था हमारा कुछ बेसिक रूल नंबर टू नाउन से रिलेटेड। अब हम चलते हैं थर्ड रूल पर। थर्ड रूल क्या बता रहा है? सर्टेन नाउन्स दैट आर सिंगुलर, कि जो नाउन्स सिंगुलर होते हैं, क्या होते हैं? सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। हमें दिखते क्या है? सिंगुलर दिखते हैं बट मीनिंग जो होता है उनका प्लूरल होता है। तो अब आप बताइए कि क्या इसके साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल? तो ऑब्वियस है, ये जो थर्ड रूल है हमारा, ये सेकेंड रूल के बिल्कुल अपोजिट है। हमारे हमने पहले पढ़ा था कि कुछ जो नाउन होते हैं वो हमें दिखते क्या है? प्लूरल दिखते हैं बट उनका जो मीनिंग होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए हम उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बट सेकेंड थर्ड पॉइंट के अंदर हमने पढ़ा है कि कुछ जो नाउन होते हैं वो हमें दिखते कैसे हैं? सिंगुलर, क्योंकि उनके लास्ट में एस या ईएस नहीं होता, बट मीनिंग क्या होता है उनका? प्लूरल। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? हम मीनिंग के साथ जाते हैं, मीनिंग अगर प्लूरल है तो हमारा वर्ब भी कौन सी लगेगी? प्लूरल। तो देखते हैं हमारे कौन से सेंटेंस या वर्ड्स हैं। कैटल, कैटल मैंने आपको बात करी थी ग्रुप की, जो जो गाय भैंस बकरी होती है इसके अंदर, ये पूरा झुंड जिसे हम बोलते हैं वो आ जाता है हमारा कैटल के अंदर। इन्फेंट्री, अब इनके आगे एस या ई एस नहीं लगा है बट जो इनका मीनिंग है वो एक ग्रुप को कर रहा है रिकॉग्नाइज, और जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या होता है? प्लूरल। तो ये इनके आगे हमारा कौन सी? पुलिस। अब पुलिस को आगे हम पुलिसेस नहीं लिख सकते, एस एड हो ही नहीं सकता, तो पुलिस जो होती है वो भी एक ग्रुप ही मानी जाती है। पीपल, पीपल क्या होता है? अगर हम इसकी जगह यूज करें प्यूपिल, तो प्यूपिल होता है एक सिंगल पर्सन, बट हम पीपल की बात करें जो पीपल है वो क्या है? एक ग्रुप है, तो पीपल होते हैं बहुत सारे। पोल्ट्री एंड पीजेंट्री, तो ये हमारे कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, किसानों को बोला गया है पीजेंट्री। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें दिखते सिंगुलर हैं बट मीनिंग क्या होता है? प्लूरल। एक आपने देखा होगा चाइल्ड एंड चिल्ड्रन, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा कि चाइल्ड, चाइल्ड होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन होता है बहुत सारे बच्चे, तो ये इनका जो मीनिंग होता है वो प्लूरल होता है, पर इनके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे हमने देखा है कि कैटल क्या है, हमें दिख सिंगुलर रहा है, मीनिंग क्या है? प्लूरल। तो उसके साथ हमारी जो वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी? प्लूरल। तो हम कौन सी करेंगे? आर या वर। पुलिस हैव, अब हैव भी हमारी क्या होती है? प्लूरल होती है। कौन सी होती है? प्लूरल होती है। हैज होती है सिंगुलर एंड हैव होती है प्लूरल। तो पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पे पुलिस हमारा क्या है? दिख तो सिंगुलर रहा है बट मीनिंग क्या है? प्लूरल। तो हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे? प्लूरल। तो इसके साथ ये तीन हमारे क्या हमने पढ़े हैं? कुछ रूल्स नाउन्स के। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं।